हेलो नमस्कार फ्रेंड, आपका मोस्ट वेलकम करते हैं हमारे इस चैनल पर। तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी छात्र 24-26 पीजी एडमिशन के तहत जो भी छात्र इस बार दाखिला लेना चाहते हैं, मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका आवेदन की प्रक्रिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया। जो भी छात्र 21-24 पार्टी का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, जो MA MSc MCOM करना चाहते हैं, उनका जो आवेदन होगा वो ऑफलाइन होगा। जो भी विभागों में होगा वो ऑफलाइन होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के द्वारा डेट को रिलीज कर दिया, आवेदन की प्रक्रिया का डेट रिलीज कर दिया। तो सभी छात्र तो आप समझेंगे कि आपको आवेदन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो ऑफलाइन आपका आवेदन की प्रक्रिया होगा। तो चलिए, क्या कुछ जानकारी है यूनिवर्सिटी के द्वारा इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे आपको तिलकामांझी का पल पल अपडेट मिल पाए। तो तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा आप यहां देखिए, पीजी के नए सत्र में नामांकन के लिए आवेदन 16 से। जो भी छात्रों पार्टी सत्र 21-24 का परीक्षा में पास कर चुके हैं, उनका नए सत्र 24-26 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। TMU में PG सत्र 24-26 में नामांकन की प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू होगी। आपका जो ऑफलाइन का आवेदन होगा, आवेदन की प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू हो जाएगी। यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस को निकाले जाएंगे और आपका जो ये होगा आवेदन ऑफलाइन में होगा। स्टूडेंट संबंधित विभागों में आवेदन जमा करेंगे। स्टूडेंट जो भी संबंधित विभाग है, जो MA MSc MCOM करना चाहते हैं जो भी सब्जेक्ट से, वो अपने अपने विभाग में ऑफलाइन प्रक्रिया के द्वारा आवेदन देंगे। DWSO Prof. बजेंद्र कुमार झा ने कहा कि नामांकन की प्रक्रिया से संबंधित शेड्यूल बुधवार को जारी किया जाएगा। उन्होंने परीक्षा नियंत्रक की भी रिजल्ट प्रकाशन को लेकर जानकारी ली। इसके बाद PG के सत्र नए में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है बता दें कि स्नातक पार्ट 3 सत्र 21-24 आठ संकाय के रिजल्ट एक दिन पहले सोमवार को जारी किया गया। इससे पहले कॉमर्स व साइंस संकाय का रिजल्ट को भी जारी किया जा सका था। परीक्षा नेता डॉक्टर आनंद कुमार झा ने कहा कि अंग पत्र व परिवर्तन पत्र भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया और आप सभी को 16 नहीं तो 17 तक मार्कशीट भी मिलना शुरू हो जाएंगे कॉलेज में, और परिवर्तन आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा सभी कॉलेजों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। तो आप सभी को जैसे ही 16 को आते हैं आपका नोटिस, मतलब PG में नामांकन के लिए आवेदन का नोटिस जैसे ही आएंगे, मैं एक वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताने वाले थे कि आप अपने अपने डॉक्यूमेंट को 16-17 तक आपने कॉलेज में जाके प्राप्त कर लें, मार्कशीट और ओरिजिनल, ठीक है, और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, तो इतना आप ज़रूर ले लेंगे, ठीक है। और डिजी लॉकर आपका एक वेबसाइट है, जो भी छात्रों डिजी लॉकर में अपने दस्तावेज को नहीं रखे हैं वो कृपया अपना चालू कर लेंगे, जिससे आपका डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहेंगे। तो एक नोटिस था, ये सभी छात्रों अपने अंदर नोट कर लेंगे जो PG करना चाहते हैं। तो जैसे ही 16 को आएंगे आवेदन, शाम तक मैं आपको एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तीन डॉक्यूमेंट तो आपका लगेगा ही, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और ओरिजिनल और मार्कशीट जो पार्ट 3 आप पास कर चुके हैं। और कुछ अगर लगता है तो मैं आपको जैसे ही यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस 16 को आएंगे एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे देंगे। ये वीडियो यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट में शेयर कर दें, जो भी छात्र इस बार पार्ट 3 एग्ज़ाम में शामिल थे, जो इसका क्लियर हो गया है और जिन्हें पता नहीं है उसे अच्छा से इस वीडियो में समझ आ जाए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।